हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 3। तीसरे अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थी विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य या पदार्थ विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाजित सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्याम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आत्मा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिन्हें रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया। रासायनिक संयोजन के नियम लवाइजिए एवं जोजफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, तो इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लीजिए, जैसे एक्स और वाई। एक्स में आप ले सकते हैं कॉपर सल्फेट और वाई में ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट या लेड नाइट्रेट या फिर सोडियम क्लोराइड, ये आप ले सकते हैं। इन दोनों में से एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए और एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क इस चित्र की तरह लगाइए, जैसे ये लगा हुआ है। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तोल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, क्या आप सोचते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं, यह कार्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। ये पहला नियम था, आप इसको फिर से पढ़ लें। क्या है ये नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो ये हमारा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो।
यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इस प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे सुनिश्चित अनुपात का जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं, जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुल्हा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 1993 में जॉन डाल्टन ने कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो द्रव्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्य की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्य की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्म विभाजक कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सिद्धांत के नियम हैं। पहला है, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पाँचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। और छठा, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं निश्चित प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण होते हैं। अब बात करेंगे हम परमाणु क्या होता है। ये प्रश्न बनता है, बहुत बार ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखें, परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। इस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉम्बी की रचनात्मक इकाई क्या है? यह रेत का छोटा सा कण है होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक से ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या की को नैनोमीटर में मापा जाता है, मतलब 10^-9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 10^-9 नैनोमीटर होता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सापेक्ष आकार ले सकते हैं, 10^-10 ये हाइड्रोजन परमाणु होता है इतना छोटा मीटर में, और 10^-9 ये जलकाणु होता है, 10^-8 मीटर हीमोग्लोबिन अणु होता है, 10^-4 मीटर त्रिज्या एक रेत का कण होता है, और 10^-3 मीटर का एक चींटी होती है, और 10^-1 मतलब 10 सेंटीमीटर का एक सेब होती है। तो आप इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक परमाणु कितना छोटा होता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व भी परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है।
अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से डॉल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की और इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, पारा। इस तरह से डॉल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक ये हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ से वे पाए गए। उदाहरण स्वरूप कॉपर, कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों के से लिया गया, उदाहरण स्वरूप स्वर्ण। गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकार्य प्रदान करती है। अधिकतर नामों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम AL, न कि AL, कोबाल्ट को CO, न कि CO। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लोरीन CL और जिंक ZN इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर लोह आयरन का प्रतीक Fe जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इस प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक के क्रम से नेट्रियम और कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो इसके संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार याद करने की आवश्यकता नहीं है, समय समय पर और बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। अब बात करेंगे हम परमाणु द्रव्यमान की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इनकी इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इनसे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। इस तरह से यहाँ पर आपके सामने 30 परमाणु के तत्व हैं। यहाँ हम एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से संयुक्त होती है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक परमाणु कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु को 1.0 U अर्थात ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति जन्य परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान की 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन प्रत्येक तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है। यह परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के
के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजीय इकाई और 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 टुकड़े बराबर करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। नेक्स्ट है, अणु क्या है? साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो एक यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए हमें इसे द्वि परमाणु को अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो इसे ओजोन प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु इनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। जैसे आर्गन एक परमाणु है, हीलियम एक परमाणु है, ऑक्सीजन द्वि परमाणु है, हाइड्रोजन द्वि परमाणु, नाइट्रोजन द्वि परमाणु, क्लोरीन द्वि परमाणु, फास्फोरस चतुर परमाणु, सल्फर बहु परमाणु। धातुओं की बात करें तो सोडियम एक परमाणु है, आयरन एक परमाणु, एल्यूमिनियम एक परमाणु, कॉपर एक परमाणु। ठीक है, यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो ये सारणी आपके सामने ये रही। जैसे जल, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में जुड़ते हैं। अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में जुड़ते हैं। एक क्रियाकलाप है, अणुओं में विद्यमान परमाणु के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार से। जैसे जल में द्रव्यमान अनुपात 1 है हाइड्रोजन का, मतलब 1 यूनिट, और 1/1 तो 1 होगा, सरलतम अनुपात 2 होगा, है ना, 2 होते हैं इसलिए 2 होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका द्रव्यमान अनुपात 8 है और यूनिट 16 होगी, इस प्रकार से 1/8/16 मतलब 1/2, तो सरलतम अनुपात 1 हो जाएगा, 2:1। इस प्रकार जलाणुओं में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात
एच अनुपात ओ 2:1 होता है। अब बात करेंगे हम आयन की, तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आपस को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धनावेश होता है। ऋणावेशित आयन को ऋणायन तथा धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनायन सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस तरह से ये द्रव्यमान बात होता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र लिखना, कैसे लिखा जाता है रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएँ ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। यहाँ पर ये सारणी दे रखी है, इसमें आयन दे रखे धनात्मक और ऋणात्मक आयन, सभी आयन इसमें दिए हुए हैं, ये जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्टक में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की दो भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि इसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है। अब ऑक्टोपस को O और मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल और बहुपरमाणु आयनों की संयोजकताएँ दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। अब कौन कौन से नियम हैं, तो ये रहे। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु से संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर अधातुएँ हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम सोडियम आयरन और कॉपर धातुएँ हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर MgOH2 है। यदि बहुपरमाणुक संख्या आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिकों के सूत्र दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई हैं। आप उनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने में कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संख्या को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एच की संख्या 1 है और Cl की संख्या 1 है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2 होते हैं और S1 होता है, तो हमारे पास में H को 2 से गुणा करेंगे और
एस को एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एच टू एस। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र ये होता है जिसमें सी एक होगा, सी को एक से गुणा करेंगे और सी एल को चार से गुणा करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सी सी एल फोर फॉर्मूला बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र याद करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं, तत्पश्चात इसके आवेशों को आड़ा तिरछा क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र इस प्रकार से होगा MgCl2। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में दो क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयन आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र इस तरह से Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र Ca2 और O2, मतलब ये हो जाएगा CaO। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजक समान है, इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करके लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक जैसे सोडियम नाइट्रेट का सूत्र इस तरह से होता है NaNO3, तो इसमें Na-1 और NO3+1 होता है तो NaNO3 सूत्र बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Ca- और Ca-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवेश OS पर +1 होता है, इसलिए इसको Ca2+ से 2 से गुणा करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस इस तरह से। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उन्हें उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रत्येक के दो दो परमाणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र इस तरह से है Na2CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र कुछ ऐसे होता है NH4 2SO4 इस तरह से। आगे बात करेंगे हम आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? अनुभाग 3.2.2 मतलब पिछले रह चुका है ये, मैं हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए उदाहरण है, उदाहरण 3.1, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, और दूसरा है इसमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो परिकलन करने के लिए पहले हम जल का परिकलन करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। अतः जल जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एवं एक परमाणु ऑक्सीजन है का आणविक द्रव्यमान 2×1+1×16=18 होगा। इस तरह से नाइट्रिक अम्ल के बारे में बात करें तो नाइट्रिक अम्ल में H एक होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और N का परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का द्रव्यमान, मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14। 14×3 करेंगे तो 34 42 है ना, नहीं 16×3 करेंगे और 14 का 1 हो 42 और 14+1 तो टोटल मिलाकर हो जाता है 63। तो यहाँ पर HNO3 का परमाणु द्रव्यमान होगा 63। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक
आयन होते हैं, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl सूत्र द्वारा इसको लिखते हैं। इसकी इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार करते हैं, जैसे ए गुणा 23U प्लस ए गुणा 35.5U बराबर 58.5 यूनिट। सोडियम क्लोराइड का 58.5 यूनिट क्या होगा, इसका परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं इसके लिए, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2, मतलब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 यूनिट, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिट। टोटल CaCl2 का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 1 × 40 प्लस 2 × 35.5। 35.5 को 2 से गुणा करने पर 71 हो जाएगा और 40 दोनों जोड़ने पर 111 यूनिट होता है। तो CaCl2 का इकाई द्रव्यमान होगा 111 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कार्बन परमाणुओं का मोल, मतलब इतनी सारी परिभाषाएं दे रखी हैं कि 6.022 × 10³³ कार्बन के परमाणु एक मोल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, या फिर एक मोल के अंदर 12 ग्राम कार्बन होता है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 6.022 × 10³³ हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर, या 6.022 × 10³ उस कण की संख्या है। तो ये आप एक मोल के अंदर 12 ग्राम कार्बन में 6.022 × 10³ कार्बन के परमाणु होते हैं, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 6.022 × 10³ हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, या उन द्रव्यमानों के सापेक्ष द्रव्यमान और उसके अंदर उस द्रव्यमान के अंदर 6.022 × 10³ उस कण की संख्या होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 12 ग्राम कार्बन में 6.022 × 10³ कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मोल संकल्पना। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। इसका एक उदाहरण है 2H2O + O2 = 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के दो अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन अणु के 4 यूनिट ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिट के साथ संयोग करके 36 यूनिट जल अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाली परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उसके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल, जिसका प्रतीक मोल मतलब MOL है, पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। एक मोल में 6.022 × 10³³ तात्विक कण होते हैं। यह संख्या अवोगाद्रो संख्या Na का नियत संख्यात्मक मान होता है। जब उसे मोल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है और इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक N विनिर्दिष्ट धात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यह धात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है जिसमें 6.022 × 10³³ विनिर्दिष्ट धात्विक कण होते हैं। एक मोल मतलब किसी पदार्थ का एक मोल बराबर 6.022 × 10³³ संख्या, ये मतलब एक दर्जन बराबर 12 और एक ग्रुस बराबर 144। यद्यपि मोल एक संख्या संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रुस की संख्या तुलना में इसका एक और लाभ है, वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष अणुओं परमाणुओं या एवं अणुओं द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान का यूनिट यू से प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं में परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान
उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। हमें उसी संख्या का मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को यू से जी में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। 1 यूनिट हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022×10^23 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। इस प्रकार 16 यूनिट ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022×10^23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोल द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को यू से जी में परिवर्तित करना होगा। उदाहरणार्थ, जैसा कि हम पहले ही जल के अणु द्रव्यमान का परिकल्पन कर चुके हैं जिसका मान 18 यूनिट होता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि 18 यूनिट जल में जल का केवल एक अणु रासायनिकों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। 1 मोल = 6.022×10^23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान, अतः रासायनिकों के परिकलन की इकाई मोल हुई। सन 1996 में विलहेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणु एवं अणुओं की वृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। उदाहरण 3.3, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 32 ग्राम हीलियम द्रव्यमान में मोल प्राप्त कीजिए, या फिर 12.044×10^23 हीलियम परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। मतलब मोलों की संख्या n, दिया गया द्रव्यमान m है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल m, दिए गए कणों की संख्या कैपिटल n, कणों की अवोगाद्रो संख्या na। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हीलियम की। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है 4 यूनिट। हीलियम द्रव्यमान का मोलर 4 ग्राम। अब मोलों की संख्या याद करते हैं। दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर संख्या, मतलब n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल m, मतलब 52/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 मोल मौजूद होंगे 52 ग्राम में। हम जानते हैं कि 1 मोल = 6.022×10^23 मोलों की संख्या होगी। 1 मोल = 6.022×10^23 दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, मतलब स्मॉल n बराबर कैपिटल n बटे n ए, मतलब 12.044×10^23 6.022×10^23 = 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। उदाहरण 3.4, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस अणुओं के मोल से द्रव्यमान और 0.5 मोल N परमाणु के मोल से द्रव्यमान और 3.011×10^23 N परमाणु की संख्या से द्रव्यमान और 6.022×10^23 N2 अणुओं की संख्या से द्रव्यमान, ये सब हमें ज्ञात करना है। तो चलिए क्या कर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम मोलर द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो m बराबर होगा कैपिटल m इंटू n, तो 28×0.5=14 ग्राम। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या, मतलब स्मॉल m बराबर कैपिटल m इंटू स्मॉल n, मतलब 14×0.5, मतलब 7 ग्राम। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर होगा कैपिटल n बटे n ए अवोगाद्रो संख्या, मतलब 3.011×10^23 6.022×10^23, मतलब यहाँ पर अगर हम इनसे काटें तो 1/2 आंसर इसका सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है, m बराबर m×n, मतलब 14×, अब इसको हल करेंगे तो 14×0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 ग्राम टोटल। ठीक है, चौथा,
स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन बटे एन ए, तो एम बराबर होगा कैपिटल एम गुणा एन बटे एन ए। तो 28 गुणा यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 28 ही निकल कर आता है मोलों की संख्या। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं 3.5। निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु, द्रव्यमान से संख्या निकालनी है, और 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में द्रव्यमान परमाणु की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको हल करते हैं। और तीसरा एक और है, 0.1 मोल कार्बन परमाणुओं में कितनी संख्या होगी। तो पहला इसको हल करते हैं, परमाणु की संख्या निकालते हैं। परमाणु संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इनटू अवोगाद्रो संख्या, मतलब कैपिटल एन बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल एम इनटू एन जीरो। ठीक है, या एन ए भी बोल सकते हैं इसको। तो एन बराबर 46 बटे 23 गुणा 6.022 गुणा 10^23। जब इसको हल करेंगे तो ये 2 गुणा हो जाएगा सीधे सीधा, मतलब 12.044 गुणा 10^23। अगर अणुओं की संख्या निकाले किसके लिए, यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान एम बटे मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या से, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान 16 गुणा 2 मतलब 32। तो n बराबर 8/32 गुणा 6.022 गुणा 10^23 से गुणा करेंगे तो n बराबर निकल जाता है 1.5055 गुणा 10^23, मतलब 1.51 गुणा 10^23। इसी तरह से तीसरा प्रश्न करते हैं हम, कणों मतलब परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। तो कण के मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या, n इंटू एन ए, कैपिटल n बराबर n इंटू एन ए। तो 0.1 गुणा 6.022 गुणा 10^23 को गुणा करेंगे तो ये 6.022 गुणा 10^22 निकल कर आता है कणों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय खत्म होता है। आप इसके कुछ सूत्र हैं जिनको आप बहुत सावधानी से पढ़ेंगे, जैसे मोलों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल एम बटे कैपिटल एन। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।